सुनाए साहब यू। अच्छा मेरे क्वेश्चन ये था सर, उस दिन आपकी रिकमेंडेशन में मैंने HUMNL ना, हम नेटवर्क, जी जी हम नेटवर्क वो भी उठाया, और साथ में कोहिनूर वो जो कोसिम KOSM जो उसका हुए ना, जी जी वो मैंने खुद ही सोच के उठा लिया, कुछ मुझे अच्छा मिल रहा था। मैंने और 80 पे मेरा ख्याल है उठाया, और 90 पे मेरा ख्याल है वो उठाया हुआ है, नहीं 390 और हम नेटवर्क 579 78, जी 390, सॉरी 390 समथिंग, और हम नेटवर्क 580 समथिंग मेरा 70 समथिंग। ठीक है, तो कोई परेशानी है आपको इन दोनों स्टॉक्स की? नहीं, मैं आपसे ऐसे चले उसका तो हम का वो मैं होल्ड कर लूंगा, ये कोहिनूर का मैं आपसे पूछा था इसका क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है ना, वैसे ही उठा लिया बस। जी जी मैंने आपको इनके लेवल्स बताए, मैं शॉर्ट टर्म टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट आपको बताया हुआ है, इंशाल्लाह ये अपने टारगेट्स को जरूर अचीव करेंगे, आपने होल्ड रखना है इनको बस। नहीं कोहिनूर का, कोहिनूर के बारे में चलो, हमका तो मुझे पता आपने बता दिया, कोहिनूर का आपने नहीं बताया। कोहिनूर भी मैंने जो है वो रिकमेंड मेरी लिस्ट में मौजूद है, उसका मैंने बाइंग जोन भी बताया हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारा बताया हुआ है, आप टेंशन ना लें इस स्टॉक की। नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, मैंने कहा चलिए आपसे पूछ लूं, डिस्कस कर लूं आपसे। हां बस बेचना नहीं आप। एनीवे थैंक यू सर, थैंक यू, मैं ओके। जी अब्दुल रहमान साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। जी, वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मैंने जो ASL लिया हुआ है तो उसमें अभी तो करेक्शन आ रही है, तो इसको होल्ड करना चाहिए या इसको अगर ओवर करेक्शन करता है तो नीचे ले लें फिर? और दूसरा क्वेश्चन सर, जैसे कि शेल जो स्टॉक है शेल, वो तकरीबन 80 या इससे ज्यादा रुपए यानी कि नीचे लोअर यानी कि लॉक लगाया, नीचे आगे खुला और फिर उसने जो ना अपर लॉक लगाया, तो इसकी आगे इसके क्या मतलब डे ट्रेडिंग के लिए ठीक रहेगा या इसको ले सकते हैं अभी? कौन सा स्टॉक जिसने लोअर लगाया फिर अपर लॉक लगाया? शेल है ना, शेल SHELL, शेल पेट्रोलियम जो है। जी जी शेल शेल जी जी शेल, वो तकरीबन फ्राइडे वाले दिन वो जो इसकी क्लोजिंग थी उससे 80 रुपए या इससे ज्यादा तकरीबन नीचे आकर खुला है आज। जी जी हाँ, शेल ने जो है ना आज वो राइट जो उसने दिए थे आज वो एक्स हुआ है ना, इस वजह से वो तकरीबन ऑलमोस्ट 70-80 रुपीस नीचे जो है वो ओपन हुआ। बहरहाल आज उसने अच्छा बूस्ट किया और नीचे हो गया, अपर लॉक लगा, तो बहरहाल थोड़ी सी इसमें तेजी हम देखेंगे एक दो दिन, फिर उसके बाद जो है असल पोजीशन बाद में पता चलेगी। बहरहाल आप इसको डे ट्रेडिंग के लिए तो आप ले सकते हैं, फिलहाल फंसे ना इसके अंदर। ठीक है ठीक है, ASL का बता दो। ASL जब आपने लिया था उसी टाइम 3% डाउन पर आपने स्टॉप लॉस लगाना था, तो आप ज्यादा लॉस से बच जाते, फिर नीचे जब आता आप मजीद ले लेते। कोशिश क्या करें, बोलिंजर बैंड वाली मेरी वीडियो देखें, उसके मुताबिक बाइंग स्ट्रेटेजी अपनाया करें किसी भी स्टॉक के अंदर। ठीक है ठीक है, शुक्रिया जान। ठीक है जी, मीर यकूब अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? ठीक हैं जी जी, ठीक ठाक। अच्छा काजी साहब, दो बातें आपसे पूछनी थी। पहली बात ये है कि ये फिरोज जो है ये क्यों करेक्शन ले रहा, और क्या इसको होल्ड करना चाहिए? मेरी बाइंग 330 की है इसकी, और मैपल लिफ्ट सीमेंट के बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा। मैपल आपने लिया हुआ है? जी मैंने लिया हुआ। और फिरोज किस रेट पर लिया हुआ है आपने? 330 पे लिया हुआ है मैंने। फिरोज इसको मैंने अपनी रिकमेंडेड लिस्ट में भी आई थिंक डाला हुआ था, अगर आप उसको देखें किस रेट पर जो है वो। फिरोज नहीं है मेरे ख्याल से आपकी रिकमेंडेशन। अच्छा ठीक है, अभी जो है 324.77 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। बहरहाल ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन पर मौजूद है, जिस टाइम भी इसने 299 से नीचे नीचे क्लोजिंग दी ना, तो फिर आप इसको बेशक बेच दीजिएगा, ये इसका स्टॉप लॉस है 299 का। तो बहरहाल अभी इस रेट पर आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन पर मौजूद है। इसका टारगेट आप कम अज कम जो है वो 400 रुपया लाजमी रखें अपने जहन में, जो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है 4 से 6 महीने, ताकि जरूर 400 को जो है वो टच करेगा। बहरहाल इसकी कोई आप परेशानी लेने की जरूरत नहीं आपको। बाकी मैपल जो है अगर आप लेना चाहते हैं, वो मैंने बताया था आज आपको, 38 से लेकर 43 उसका बाइंग जोन है, जहाँ भी बीच में फंसता है तो आप उसको लेके रख लें, लेकिन आपने इसको फिर रखना पड़ेगा कम अज कम 6 महीने के लिए। अच्छा ठीक है, यानी बाय कर सकते हैं मैपल लीफ सीमेंट, क्योंकि कुछ मैंने इसके वो स्टैट्स देखे थे तो 40-44 की बात है, तो अभी से मतलब 40 से रेंज बाय करने से और 50 की बात कर रहे हैं टारगेट रेट, इज दिस करेक्ट?
जी जी शॉर्ट टर्म में। इसका टारगेट इसका बहुत अच्छा है। अभी इसने जो रिसेंट जो अपना रिजल्ट शो किया वो पॉजिटिव शो किया, और ये बहुत अच्छा साइन है। पहले ये नेगेटिव था पिछले साल, अब इसकी अर्निंग जी प्रॉफिट में आना शुरू हो गई है, तो हम इसको देख सकते हैं कि ये अपने दोबारा जो पुराने इसके रेट होते थे मोर देन 100, ये वहाँ पर लाजमी जा सकता है। अगर पाइनियर सीमेंट जा सकता है ऊपर, लकी ऊपर जा सकता है, तो ये भी जरूर जा सकता है बाकी सीमेंट्स की तरह। ये अच्छा, एक सीमेंट और है फ्लाइंग सीमेंट, आई डोंट नो, मतलब आपके ख्याल में कैसा है, आपने देखा है इसको डिटेल में? सर आपने उसको बाय करना है या क्या करना है आपने इसको? नहीं, मैं बाय करना चाह रहा हूँ सीमेंट सेक्टर में। ये है कि छोटा सा ये स्टॉक है फिलहाल जो है ना, उसकी जो प्रॉफिट तो मुझे यहाँ पर इसकी नेगेटिव ही शो हो रही है, कैश फ्लो भी इसका नेगेटिव मुझे नज़र आ रहा है। बहरहाल इसको प्रॉफिट भी इसने बिल्कुल 2020 का नेगेटिव शो किया, जब तक प्रॉफिट इसने पॉजिटिव शो ना करे आप इसके अंदर फिलहाल बाइंग ना करें। ये ठीक, ओके, थैंक यू। जी जी हम पहले तरतीब से शुरू। अमजद साहब जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी पीछे आप। वालेकुम सलाम जी। सर, आपने जो रेकमेंड किया है वो मैं 3-4 दिन से उसको सर स्टडी कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो वो उसका बाइंग जोन से सर अबव ये थोड़ा 4-5 रुपए, आज थोड़ा 3.89 पे क्लोज हुआ है, तो सर इस पे लेने से या थोड़ा और वेट करें इसका? जो मेरा बाइंग जोन है ना उसके बीच में जो भी स्टॉक आता है उसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस वो आंखें बंद करके आप ले रहे हैं। हमने स्टडी किया हुआ है इसको डिटेल से, आपने बस उसको लेना है, बाकी उसके टेक्निकल्स उसके बाकी चीजें छोड़ दें, वो सारे हम निकाल के चक्की में से निकाल के बाहर निकाला हुआ उसको, तो बस आंखें बंद करके आप ले रहे हैं, बस तो फायदा होगा फिर आपको। सर वो दो 3 रुपए या 5 रुपए शायद अभाव है, इसलिए मैं पूछ रहा था पैसे कि सर इतने बड़े कारोबार में पैसों की फिक्र ना करें, 2-4 पैसे, ये आप करोड़ों वाली गेम है ये स्टॉक मार्केट जो है, जी इसमें पैसों को छोड़ दे सर, आप। जी ठीक ठीक है ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी एक अस्सलाम वालेकुम। मिनट जी जी अतीक भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोले। जी कैसे हैं आप सर? थोड़ा सा एक सवाल पूछना था और टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। जी जैसे आपकी स्ट्रेटेजी है कि SNG कोई भी आइटम जो होता है, मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा हो और रात शाम 3 बजे का टाइम हो और वॉल्यूम भी ज्यादा हो तो उसको बाय करना चाहिए, तो जी आज एक कंफ्यूजन ये है कि जैसे एक SNGP को मैंने वॉच कर रहा था, उसमें जी वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था और उस ऑलमोस्ट 5% 6% तक आके सेलिंग प्रेशर आ गया, और सेलिंग प्रेशर आने के बाद 3% से नीचे आया, तो ये आपके ख्याल में कल मतलब हमारे मतलब अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है या इसको ख्याल मतलब लोअर लॉक की तरफ जा रहा है, मतलब जी लॉक की तरफ जा रहा है, असल नीचे में की तरफ? जी मैं जवाब देता हूँ। असल में इनकी खबरें चल रही थी ना, 2 दिन पहले इनकी खबर आ गई थी लास्ट टाइम जो हमने वर्किंग डे देखा, कि जो इनके सर्कुलर डेट के इशू है वो हुकूमत ने प्रॉमिस किया कि 1 साल के अंदर अंदर रिजॉल्व करेंगे, और इस खबर की वजह से, सिर्फ इस खबर की वजह से PPL OGDC KEPCO इसके अलावा एनर्जी सेक्टर के जितने भी हैं और इवन के SNGP में भी हमने तेजी देखी। तो पहले दिन तो इनके अंदर बहुत तेजी थी, आज दूसरे दिन वो खबर थोड़ी सी अब आम हो गई है, तो अब उनके अंदर वो दम भी ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है। जिस तरह अभी पीछे हमने देखा कि गंदारा की खबर जा रही थी, कोई बाहर की कंपनी के साथ इनका ठेका हुआ है, तो वो गंदारा बड़ी तेजी के साथ ऊपर गया और हम भी ट्रक की बत्ती के पीछे भागना शुरू हो गए। अब लोग गंदारा 130 रुपये लेकर फंसे हुए, रोज मुझे मैसेज करते हैं हम बेचे क्या करें, तो अल्लाह के बंदे ऐसा क्यों किया आपने। नेट सोल एवियन की खबरें आई, वो शूट लगाया उन्होंने, अवाम भी उनके पीछे भाग पड़ी। तो खबरों पर जो है सिर्फ अगर खबर जब तक आम नहीं हो जाती, वो इदरीस साहब की बात जो है ना मैं दोबारा आपको तो रिपीट कर देता हूँ, जब तक खबर पब्लिक ना हो उससे पहले पहले तो आप स्टॉक ले लें, जब खबर आम हो जाए तो आप उस स्टॉक से बाहर आ जाइए। SNGP PPL OGDC KEPCO इन सब की खबरें थी, ये ऊपर चढ़े, अगर ऊपर ऊपर आप फंस जाएंगे तो जो ही खबर ये ठंडी होगी तो इन्होंने वापस नीचे आके आपको स्टॉक ऑफ कर दे रहे हैं, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बहरहाल अगर लेते हैं तो 3% डाउन पर लाजमी स्टॉप लॉस लगाएं, एक दफा 3% हिट करके आप फिर दोबारा इसके अंदर जो है बाइंग ना करें फिर। आज ही 3% हिट हो गया था, तो मैं सेल मतलब 50% मैंने सेल कर दिया, लेकिन 50% होल्ड करा हुआ है कि शायद कल वो चले बारी आए। अच्छा, चले आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करूंगा, पहले टाइम जो है ये एक सवाल सर थोड़ा। आपसे और करना चाहूंगा, सॉरी जी सर, ये जो एक्चुअली कोई भी बड़ा आइटम होता है जो जो डिविडेंड या कोई चीज अनाउंस करता है, अनाउंस करने के बाद जो है जब इसके रेट खुलते हैं 50% नीचे, जैसा कि जिलेट है, जिलेट जो है उसने मेरे ख्याल मोर और एवरेज 100% जो है ना दिया था, तो आज आया था कल 370 370 पे खुला था,
आज लोअर लॉक खुला था तो इस पे बाई करना चाहिए आपको, क्या लगता है? सर अभी इसको मैंने टेक्निकल स्टडी नहीं की इसको, वैसे जिलट को मैंने पिछले दिनों थोड़ा सा देखा था, ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, पिछले जो इसके 10 साल रिकॉर्ड है, तो इतने बड़े स्टॉक को सर पे तक गया था, ऑल टाइम हाई स्टॉक को, जो ऑल टाइम हाई चल रहा हो, ऐसे स्टॉक को हार डालना आग के अंदर हार डालने के मुतरादिफ है, तो मैं तो कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करता। अगर ये होता 150-100 रुपए का तो फिर तो ठीक था, ऑल टाइम हाई है पिछले 10 साल से, यानी कि इतना हाई उसने नहीं बनाया, तो इतने हाई पर आप इसको क्यों ले रहे? अगर उठा के इसने आपको 50-60 पर ही आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, फिर किधर आप छोड़ेंगे इसको? सही सही, असल में 600 रुपए का था तो मैंने बोला कि शायद अभी 390 का है, बाइंग रेंज में है या नहीं है। नहीं, वो इसने राइट दिए ना जिसकी वजह से ये एक्स हुआ, जिसकी वजह से ये नीचे खुला ना, इस वजह से। हाँ जी, रूमी जाफरी साहब से सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम जी काई साहब, एक तो जो आपने हमें बताया था ना स्क्रिप्ट, तो उसको मैंने काफी हद तक तो शिफ्ट कर दिया, अपने जो पुराने जो पड़े हुए थे ना, जो आप कहते हैं मरमर के चलने वाली, अब दो चीजें जो है ना वो रह गई, एक तो बीजीएल है उसमें मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ, उसमें थोड़ा मुझे लॉस हो रहा था, एक तो ये बता दे कि उसको मैं लॉस बेयर कर लूं या नहीं, बीजीएल मेरी जो बाइंग है वो 7.72 रुपए की, और दूसरे में पीपीएल मेरे पास पड़ा हुआ था पुराना, तो अभी 92-90 की मेरी बाइंग थी, अभी क्या करूं उससे, भी कल जान छुड़ा लूं ताकि मैं नए जो आपने जो स्क्रिप्ट दिया उसमें मैं शिफ्ट हो जाऊं। जी जी, पीपीएल जो अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है फिलहाल प्रॉफिट बुक करें, बाद में हम पीपीएल जरूर लेंगे और जुडिशियल जरूर लेंगे, लेकिन जब उनकी थंडिंग खबरें आ जाएंगी कि आप ये बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, प्रेशर से निकल आए हैं, तो दोबारा हम लाजमी ये स्टॉक लेंगे, लेकिन फिलहाल इनका लेने का टाइम नहीं है। बीजीएल जो है, जो आपको लॉस हो रहा है ना, आप ये ना समझे कि मैं लॉस ले रहा हूँ, आप जिस दूसरे स्टॉक में डालेंगे वो चलना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट देगा तो वो लॉस उधर कवर हो जाएगा आपका, यही समझ ले कि मेरा बीजीएल की बीजीएल का छोटा भाई मैंने ले लिया है तो वही चढ़ा है स्टॉक, आप बीजीएल टेंशन ले लें, यहाँ पर रुके रहेंगे, अपने आप को रोके नहीं, ये स्टॉक जो है बीजीएल बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, तो इससे अच्छा है किसी तेज वाले स्टॉक के अंदर एक्टिव हो जाए, उसके अंदर डाल लें, टाइम आपका कम यानी जाया होगा, वो स्टॉक ऊपर निकल जाएगा, बीजीएल कछुए की तरह उधर ही आहिस्ता आहिस्ता रिंगता रहेगा, तो इसके मैं असल में उसको गनी ग्लास से उसको रिप्लेस करना चाहता था साहब। सर गनी अभी थोड़ा सा राइट दे रहा है ना, राइट के बाद इसकी पोजीशन देखने दे कि क्या पोजीशन बनती है, फिर आप बेशक उसका जो है वो गनी में नहीं, गनी तो काजी साहब ये डिविडेंड दे रहा है, आपने उसको सजेस्ट भी किया था ना, जो गनी क्लास जीएचजीएल, जी 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 डिविडेंड है इसका, जी जी बिल्कुल है, अभी उसका राइट भी आने वाला है, डिविडेंड भी आने वाला है, कंपनी बहुत जबरदस्त है, प्रॉफिट में जा रही है, मजीद एक्सपेंड करने के लिए उसको पैसे चाहिए, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये आप बेशक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, वक्ती तौर पर जो है किसी और स्टॉक को भी आप देख सकते हैं जो मेरे रिकमेंडेड लिस्ट में मौजूद है, वो भी बेहतर है, ये भी बेहतर है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऊपर जाने में ना। ठीक ठीक, जजाकल्ला जजाकल्ला खैर। जी जी जी, शाह मोहम्मद साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब कैसे हैं, खैरियत है? जी, मैं वो जी चैनल के बारे में पूछ रहा हूँ, उसमें फंसे हैं, तो मैंने कहा अगर होल्ड करें 2-3 दिन के बाद अगर कवर हो जाए जो लास्ट है कि नहीं, बस हटा दें। सर मुझे आज किसी ने पूछा था गंधारा का इंडेक्स पॉजिटिव था, मैंने उन्हें कहा होल्ड करें, अब मसला ये है ना कि अब ये अपना बुलिश ट्रेंड खत्म कर चुका है, अब फिर कोई इसकी खबर आने की देर है, फिर ये चढ़ेगा ऊपर से ही, फ्यूचर इसका अच्छा है, लेकिन अच्छा। वक्त ही आपको जो है इसने फंसा दिया है, कोशिश करें कि जब भी कोई स्टॉक बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा हो अगर आप उसके अंदर हार डाल दें तो 3% डाउन पर लाजमी स्टॉप लॉस लगाएं, तो फिलहाल देखें 1-2 दिन सबर कर लें, हो सकता है दोबारा ये वापस रिवाइव करे, इसके अंदर करेक्शन हो रही है ना, तो हो सकता है आपका जो है ना वो लॉस कवर हो जाए फिर। बस यही पूछना था। ठीक है, शुक्रिया जी, मेहरबानी। डॉक्टर साजिद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। आपकी रिकमेंडेशन पे मैंने आज जो है वो कुछ लिए हैं स्टॉक्स, पीएसओ के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? सर जो मैंने रिकमेंड किया मैं कोशिश करें उन्हीं के अंदर करें, फिर पीएसओ मुझे स्टडी करना पड़ेगा, फिलहाल पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, कैपको, एनर्जी सेक्टर, फिलहाल आप इनको अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी सिर्फ इनकी खबरें हैं, जब तक खबरें इनकी क्लियर नहीं हो जाती, इनके इशू रिजॉल्व नहीं हो जाते, फिलहाल बेशक ये तेज हो रहे हैं, ये आपको फंसाने के लिए तेज हो रहे हैं, फिर आप फंस जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि आप मैं कैसे लॉस करूं या क्या करूं, यहाँ पर मैं वक्त ही आपको कह दूं आप ले लें, आपने उसको ले लिया बगैर स्टॉप लॉस लगाए हुए तो आप उसमें फंस जाएंगे, ये ना। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि
आप जो है इसमें सीमेंट में डीजी खान या मैपल लीफ किसको रिकमेंड करेंगे? हाँ सर, मैंने लिस्ट में भी यानी आज भी आपको टेक्स्ट किया था कि मैपल का मैंने आपको एक बाइंग जोन बताया हुआ है, उसके दरमियान उसको ले लें, स्टॉप लॉस उसका जहन में रखें, शॉर्ट टर्म टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट भी उसको जहन में रखें। ये सारी चीजें जो ग्रुप में सेंड कर दिया वो समझे कि बिल्कुल सही है वो स्टॉक जो है ना। अच्छा चले सही, ठीक मेहरबानी जी। जी जी इदरीस भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, खैरियत से? जी जी शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज भी जो है मार्केट में जो सूरत हाल थी बिल्कुल वही जुमे की कंटिन्यूटी नजर आई। इन्होंने जो है ऑयल सेक्टर को उठाया था और उसके बाद 650 ऊपर चली गई वो। अब जब वो नीचे आने लगा तो ये हमारे अभी एक लखानी भाई पूछ रहे थे, उन्होंने शायद SNGP में फंस गए वो, तो मेरे भाई जिस वक्त वो नीचे आने लगे थे आपको उसी वक्त सेल आउट कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारा कोई और सेक्टर नहीं चला। अभी थोड़ा सा चला है तो हमारा चला है ये टेक्सटाइल, बाकी हमारे अभी सेक्टर बाकी हैं। अब आप ये देखें कि जो चीजें हमारी नीचे आ चुकी हैं हमें उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है ना टेक्निकल तरीके से मार्केट को ऊपर उठाया हुआ है, लेकिन यही चीजें समझने की हैं भाईजान। मैं जो आपसे कहता हूँ कि टेक्निकल चीजें सीखें यहाँ पर, और जो हमारे भाई बता रहे हैं अब देखें ये गौर से देखें कि हमारे कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो अब नीचे रह गए और किस में करेक्शन आ गई है, अब हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। अब जैसे हमारा सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा हो गया है, आपका स्टील सेक्टर भी अब बेहतर हो गया है, मुमकिन है कि कल भी थोड़ी सी इस करेक्शन में जाए, अब हमें सबको इस तरफ आ जाना चाहिए और ऑयल सेक्टर से हमें काफी हद तक निकल जाना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोग? जी जी नबील भाई आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं सही कह रहा हूँ? जी जी बहुत ही तरीके से गेम हो रहा है टेक्निकल, अगर आप उसको वाकई समझे तो आप यानी पिछले एक महीने का ये अंदाजा लगा लें, पहले कैसे IT सेक्टर को ऊपर उठाया, फिर रिफाइनरी सेक्टर को एकदम ऊपर उठाया, फिर आज एनर्जी सेक्टर को उठाया, उन वो साइड पर हो गए नेट सोल एवियन वो फंस गए लोग 90 पर लेकर 200 नेट सोल पर लेकर फंसे हुए, TRG 90 से ऊपर लोग लेकर फंसे हुए, NRL जो है वो 350 से ऊपर लेकर लोग फंसे हुए, ATRL 190 से लेकर फंसे हुए लोग, तो बड़े तरीके से उन्होंने उनको ऊपर उठाया फिर एकदम नीचे गिराया और आप लोगों को फंसा दिया बीच में। अब आपको जो है वो जैसे आज ये PPL OGDC कैपको इनमें आपको जबरदस्ती उन्होंने फंसाया, दो तीन दिन हो सकता है और मजीद इनको तेज करें, फिर जब नीचे करेंगे आप इसी में यानी उधर से लॉस बुक करके आप इधर आएंगे, इधर फिर लॉस, इधर से उधर लॉस, तो काइंडली इसको समझने की कोशिश करें। ये जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स मौजूद हैं तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि आपको बार बार समझाया जाए कि आप जो है ना इस चीज़ को समझें कि कैसे टेक्निकली आपके साथ एक साइकोलॉजिकल ग्रिप की जा रही है आपके ऊपर। अब आप लोग देखें कि जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे बाइंग जोन के अंदर, अगर जिन्होंने पक्के उनको पकड़ के रखा हुआ, आज मुझे NML वालों के बहुत मैसेजेस आए, बड़े खुश हैं वो लोग, गैटम जिन्होंने लिया हुआ था बड़े खुश हैं वो लोग, उनके मुझे मैसेजेस आए, तो बस आपने इनको छोड़ना नहीं, इनको पकड़ के रखना, इंशाल्लाह जो जो स्टॉक्स आपको बताए हुए हैं वो सारे चलेंगे, ज़रूर चलेंगे और एकदम से चलना शुरू हो जाएंगे, आपको भी समझ नहीं आएगी कि क्या हमारे साथ हो रहा है, तो बस आपने छोड़ना नहीं है इन स्टॉक्स को। ठीक हो गया सर, मैं ट्रेड के बारे में पूछना चाहूंगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी, क्योंकि उसके पास TRG की और इसकी होल्डिंग थी ANL की, ANL वालों ने जमीन बेची है, ये कराची में जो खबरें चल रही होती है ना, तो ट्रेड को जो है ना होल्ड करके रखें, जिस भाई ने भी लिया हुआ हमारे दोस्तों ने, ट्रेड को होल्ड कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, मेरा हो सकता है अगला रिकमेंडेड स्टॉक ये हो, यानी कि मेरा फेवरेट स्टॉक भी है, हो सकता है आगे एक दो दिन में लिस्ट में मैं उसको भी शामिल करूँ। बिल्कुल बाइंग जोन में मौजूद है, अगर आप इसको लेना चाहें 30 के राउंड अबाउट ले के बस इसको रख लें, इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है ये, ठीक है। जी थैंक यू जी। नेक्स्ट जी आगे लेते हैं हम, डॉक्टर साहब से लेते हैं, डॉक्टर सर ताहिर साहब सर आपसे ले रहा हूँ सवाल। बड़ी मेहरबानी जनाब, मैंने आज हाँ तो खड़ा नहीं किया था लेकिन वाला आपने ले लिया है जी जी। तो एक तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो स्टॉक आपने रिकमेंड किया है वही हमने लिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो स्टॉप लॉस वाला जो आप बताते हैं वो भी जब मौका ऐसा आएगा तो आप बताते रहेंगे कि इसको स्टॉप लॉस लगाए। मसल मैं आप बताऊं कि ये लिया है मैंने मैपल लीव सीमेंट, जुमे को लिया था 44.5 का, आज 43.5 का लिया है तो फिर भी नीचे चला गया वो 50 पैसे, तो इसके बारे में क्यों ये नीचे जा रहा है। दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो IPPs की कंपनियों के खबर आई है वो एकदम ऊपर चली गई है, तो इनको रख छोड़े या बस एक दफा निकाल दे और आवाज स्टॉक ले ले।
जी जी फिलहाल इनकी खबर ही है ना, जब तक इनकी खबर सही नहीं होती ये फिलहाल, यानी कि जब इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता कि इनके इशू रिजॉल्व हो गया है तब तक इनको छोड़ दें, वक्त ही ये हो सकता है 2-3 लॉक ऊपर चले जाएं, बहरहाल वापस इन्होंने आ जाना है, क्योंकि ये सिर्फ खबर ही है, खबर की हद तक हमारे सामने ये बात आई है ना। तो बाकी वो आपने जो कह रहे थे नेशनल फूड लेना है और एफर्ट को चेंज करके, वो आपने लिया नहीं, बार बार मैंने आपसे कहा था वो ले लें, 115-16 पर है वो। नहीं वो जो है ना, जो आपने मुझे स्टॉक्स बताए थे कि चेंज कर ले, वो सारे मैंने चेंज कर लिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी 75% जो है ना, वो मैंने अब आपके बताए हुए स्टॉक्स ले लिए मैंने। ठीक है, बस इंशाल्लाह अल्लाह तवक्कल रखे, इंशाल्लाह बेहतर होगा आपके साथ। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं ये जो है ना निशात मिल नहीं ले सका, ये आज काफी ऊपर चली गई है। लेकिन सर के बारे में बताए, सर अभी भी बड़ा अच्छा रेट है, इसको लेना चाहिए। और सन समझ नहीं आई मुझे, कौन सा तो आपकी फील्ड की कंपनी है और आपको पता भी होगा कि इसके कितनी मेडिसिन चलती है, तो इसको ले ले, बिल्कुल बाइंग जोन पर है ये जो आज आप ट्रेड का बता रहे हैं, इसका आप क्या टारगेट बता दें, यानी अगर ये बाइंग रेंज पे है अभी तो ले लें, तो क्या इसका टारगेट आ गया? सर मैं इसको जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जो है आप सीक्रेट रहने दें, ताकि जो बाकी हमारे नए नए व्यूवर्स हमें देख कर ये चीजें सुनकर मेरा प्रोग्राम या ग्रुप ज्वाइन करते हैं, इसी तरह हम उनका सरप्राइज रखते हैं, तो वो आते हैं हमारे साथ जो है ना, इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप के अंदर जो इसका टारगेट और सारा जो है डिटेल सेंड करूंगा। वो जैसे टीवी पे जो लोग इश्तेहार चलाने वाले जो है, वो भी सरप्राइज रख के चाहते हैं कि लोग हमारा देखते रहे प्रोग्राम। चले ठीक है, अच्छी बात है, बता दीजिएगा। जरूर जरूर, पूरा यानी कि एनालिसिस करके बताऊंगा ना, ऐसे वक्त ही तो नहीं बता सकता ना कि कहाँ पर, सारे इसका टेक्निकल स्टडी करने के बाद आपको बताऊंगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद जी। अमाद हुसैन साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। सर जी कुछ चीजें हैं, बस जनरल डिस्कशन है। आपने उस दिन मेंशन किया बकायदा मुझे कि अमाद साहब जो है वो बड़ी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो आपने एक मैसेज जो है वो, मैं सोच रहा था कि आपका एक प्लेटफॉर्म है, क्या कुछ बंदे ऐसे भी करते हैं, मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस फील्ड में, लेकिन कुछ चीज सोची है, तो आपके मैसेज के बाद मेरे जेहन में ज्यादा क्लिक हुआ, वो ये चीज थी कि आपने कहा कि आप अपने अपने पोर्टफोलियो शेयर करें कि आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है और किस किस फर्म का है और किस प्राइस पर आपने लिया हुआ है। ओके, अब सर जी जो है वो निशाद मिल को अगर देखें तो उसका अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग शेयर जो है 35,16,00,000 है, उसमें से फ्री फ्लोट उन्होंने 50% रखे हुए हैं। तो पहली बात जो है वो मुझे इसका मतलब बता दें कि इसका मतलब क्या है कि फ्री फ्लोट जो आजकल चल रहे हैं, जो खरीद सकते हैं, जिस पर ट्रेडिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये क्या फ्री फ्लोट का क्या मतलब है? सर एक सवाल पूछ रहा था कि बाकियों को भी मौका दो, आपका सवाल एक ही सवाल होगा ये वाला। सर जी इसी पर आ गया है कि आपने पोर्टफोलियो जो है कि आप इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी हेल्प करने के लिए आप लेंगे कि क्या आप फर्दर आगे जितने भी आपके आपके सुनने वाले हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेके आप फर्दर बहुत अच्छे अंदाज में और कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हैं कि हमारे इतने बायर इस स्टॉक को लेकर इस लेवल पर हैं, तो आने वाला फ्यूचर इस स्टॉक का जो है वो बहुत अच्छा है। बस इस सेंस में मुझे थोड़ा सा बता दें कि आप इस पर वर्किंग करेंगे या नहीं। जी जी, बस ये दो सवालों का मैं आपका जवाब देता हूँ। हर कंपनी जो होती है अपने कुछ स्टॉक्स जो वो अपने पास रखती है और कुछ स्टॉक जो वो पब्लिक को देती है। ये मसलन एक बंदा जो है जिसने अगर एक कंपनी खोली है 1 करोड़ रुपए की, 50,00,000 उसके पास अपने हैं, उसको सिर्फ 50,00,000 मजीद चाहिए, तो सिर्फ 50,00,000 के ही शेयर आपको देगी, क्योंकि 50,00,000 तो ऑलरेडी उसके पास मौजूद है, तो 50,00,000 के शेयर उसने कंपनी ने अपने पास रखने हैं और 50,00,000 जो आपको देगी दैट विल बी कॉल्ड द फ्री फ्लोट शेयर, उसको कहते हैं ये। तो हर कंपनी जो है अपने कुछ शेयर अपने पास रखती है, मोर देन 70%, 60%, 50% से ऊपर अपने पास होते हैं। अगर 50% से ऊपर शेयर आपको दे दें तो आप राइट जो है वो कंपनी का कम हो जाता है, आपका राइट फिर ज्यादा बन जाएगा कंपनी चलाने का। तो कंपनी मोर देन 70%, 80%, 60% अपने पास शेयर रखेगी, बाकी फ्री फ्लोट के लिए आप लोगों को देगी। ये सब के साथ यही होता है। ये बाकी जो है आपका पोर्टफोलियो की बात यह है कि कुछ लोग तो हमारे साथ यहाँ पर आ जाते हैं, आप लोग चले बोल्ड है, जूम ऐप यूज करें, कुछ हमारे शाय लोग भी हैं जो यहाँ पर सामने नहीं आ सकते, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस नहीं कर सकते, बेचारे लॉस में। तो आप लोगों को सबको मैसेज करने का मकसद ये है कि अगर आप में से कोई ऐसा पोर्टफोलियो लेके बैठा हुआ है और उसमें स्ट्रोक अप हुआ हुआ है, लॉस पोजीशन पर जा रहा है, वो अपना पोर्टफोलियो मुझसे डिस्कस करे, तो हो सकता है मैं बेटर तरीके से उसके अंदर चेंजिंग करके उसके लॉस को जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये
तो इसलिए हर एक को पर्सनल मैसेज किया गया, दैट विल बी कॉन्फिडेंशियल होगा आप लोगों का और मेरे साथ, यानी जो भी आपने मैसेज किया वो किसी तीसरे बंदे को पता नहीं होगा, आपको पता है, मुझे पता है। और मोस्टली मैंने अब पूरी कोशिश किया है 100% लोगों को जो है वो रिप्लाई किया है, अगर उनके पोर्टफोलियो में कहां पर जहां पर मुझे मिस्टेक लग रही थी कि इस स्टॉक को आप फिलहाल बदल दें, तो उनको मैंने मशवरा दिया है, तो बाकी जो है वो ऐसे ही किया गया। ये तो बाकी आपकी ये बात है कि मैंने सारों को NML के पीछे लगा देना है या गैटम के पीछे लगा देना है, तो ये इस तरह की ये करोड़ों अरबों की गेम है ये स्टॉक्स की। ये हम जो 100-150 से और एक एक दो दो लाख वाले पोर्टफोलियो से हमसे इस कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इनके नहीं सर, मैं तो दूसरे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर हम आपसे शेयर कर लेंगे तो आप इस पर वर्क करने के काबिल हो जाएंगे, आने वाले वक्त में हमें ज्यादा एतमाद के साथ जो वो बता सकेंगे, क्योंकि आपके सामने ज्यादा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी हमारी सारी ग्रुप की। जी कोशिश मैं क्या करूंगा कि हर वीकेंड में या हर 15 दिन के बाद आपका पोर्टफोलियो दोबारा चेक किया जाए, आपने उसके अंदर कितनी तब्दीली की, उसको क्या फायदा हुआ। कम अज कम जो है मेरी कोशिश यही होगी कि 1-2 महीने के बाद जब मैं पूरा एनालिसिस बनाऊंगा तो मेरे कम अज कम जो मेंबर्स है उनकी कैपिटल में मोर देन 20-30% गेन कम अज कम होना चाहिए, तो इसलिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर आप मेरे रिकमेंडेड स्टॉक्स लेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपको जो है फायदा होगा, अगर आप अपने ही स्टॉक्स लेते रहेंगे तो फिर उसकी तो मेरी कोई गारंटी नहीं है ना। बिल्कुल सर, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करने वाला था कि अगर आपसे हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो आप लाजमी इस पर वर्क कीजिएगा, क्या क्या आपके ज्यादा एतमाद बन जाए और हमारा भी बन जाए और आप हमें ज्यादा बेहतर तरीके से और आने वाले वक्त में गाइड करते रहे। सारी बात है आपको, यानी कि मैसेज करके आपका पोर्टफोलियो लेकर मैंने उसको डिलीट तो नहीं करना मैसेज को, उसको प्रॉपर स्टडी करके आपको मैंने रिप्लाई भी किया होगा कि आपके पोर्टफोलियो में ये मिस्टेक है, तो इसको आप यही समझे कि वर्किंग करके मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट सवाल लेते हैं मोहम्मद शहबाज साहब का, टाइम हमारे पास कम है थोड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जो जो अभी आप बात कर रहे हैं मैं इसी पर ही थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि आपने जो पोर्टफोलियो मांगा था, मैंने भी अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था एक्सेल की फाइल में, शायद आपने वो आपकी नजर से गुजरा है या नहीं, मुझे आपने उसके बारे में उसको वर्किंग हो रही है, मुझे आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं इंशाल्लाह आज ही आपको उसको जो ना, असल में आप वो इतना लंबा पोर्टफोलियो था कुछ तो मैंने मेरे ख्याल आपको रिप्लाई कर दिया था, बहरहाल चले इग्नोर हो गया होगा, मैं आज इसको देख कर आपको जो है बता दूंगा। जी नहीं, मुझे बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं आया। पोर्टफोलियो लाजमी बात है मेरा थोड़ा लेंथी था क्योंकि मैं काफी अच्छे से काम कर रहा हूँ और काफी स्टक हुआ हूँ उन चीजों में ना, तो वो सारी यहाँ पर तो डिस्कस नहीं हो सकती जूम के ऊपर। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें और उसके आगे ही मुझे उनके रिप्लाई वगैरह दे दें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि करेक्शन आप कहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि अभी जितने भी आपके रिकमेंडेड स्टॉक है ना वो थोड़ी सी आउट रेंज हो रहे हैं, उन रेट ज्यादा हैं इस वक्त वो, और मैं तो बहरहाल करेक्शन का वेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो असल में आपका एक्सेल की जो शीट थी ना मेरे मोबाइल में ओपन ही हो रही थी ना, तो मैं लैपटॉप पर उसको ओपन करूंगा तभी वो ओपन होगी, तो शायद इस वजह से आपका वो शीट जो है वो रह गई एक्सेल वाली। बाकी जो दूसरी आपने भेजी थी वो तो मैंने उसी टाइम आपको रिप्लाई कर दिया था, तो फिर आपने मुझे मैसेज किया था कि एक्सेल वाली शीट आपने देखी नहीं है, ऐसे ही है ना सर? जी एक्सेल, असल में तो मेरा पोर्टफोलियो तो एक्सेल में ही है। जी मैं कल लैपटॉप पर ओपन करूंगा ना, लैपटॉप पर ओपन करूंगा तो आपको बता दूंगा। बहरहाल करेक्शन हम फिलहाल जो है करेक्शन अब क्या देखेंगे मार्केट में, जो जो स्टॉक्स आपको बताए मैं कोशिश करें वो अगर कोई भी बाइंग जोन के जरा करीब करीब है तो आप उनको ले लें, फिलहाल उनको वेट ना करें, जब वो निकल जाएंगे फिर हाथ आना मुश्किल है। ये तो करेक्शन आप कहां तक देख रहे हैं, कोई चांस भी करेक्शन का? और सर मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे आए इंडेक्स को छोड़ दें, आपने पोजिशनल स्टॉक्स लेने हैं जो आपको रिकमेंड किए हुए, आप अपने स्टॉक्स पर नजर रखें, इंशाल्लाह वो आपको फायदा देंगे। इंडेक्स बेशक नीचे आएगा आपके स्टॉक्स लेट जाएंगे बिल्कुल, जैसे बर्जर लेट गया था, NML एक टाइम लेटा हुआ था बिल्कुल मार्केट ऊपर नीचे, ये लेट जाएंगे स्टॉक्स, इन्होंने मजीद नीचे मुझे नहीं लगता इनकी गुंजाइश बनती है नीचे आने की, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है ये कंपनीज ना। ठीक है जी वजी बुखारी सर, सर आपसे सवाल ले रहा हूँ, आखिरी 6 मिनट है मेरे पास, जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि सबकी बारी आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं सर ये पूछ रहा था लोड्स रखना चाहिए बेचना चाहिए, मैंने कुछ तो बेचा है अभी मजीद 2067 पे मैंने बेचा है, मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, तो और ये ऊपर जाएगा या नहीं? जी लॉर्ड्स को फिलहाल थोड़ी देर आप वेट कर ले, 20 से तो ऊपर इसके जाने के चांस हैं, ये भी एक ही ग्रुप है लॉर्ड स्ट्रीट, इसके अलावा यानी जो आगे ANL जो अदरी साहब ने बताया ये सारा एक ही ग्रुप का यानी कि इसमें शामिल है। बहरहाल लॉर्ड्स को रखे वो आपका तकरीबन 20 रुपये तो उसने ऊपर चढ़ ही जाना है,
थोड़ा वेट कर लें, अगर आप वेट नहीं होता तो इसको रिप्लेस कर लें, जो मैंने रिकमेंडेड लिस्ट बताई हुई है किसी के साथ रिप्लेस कर दें, वो ज्यादा जल्दी चढ़ने के उनके चांस हैं। ठीक है, मैं रिप्लेस कर लूंगा। ठीक है, रिप्लेस कर। अच्छी, डॉक्टर अमीर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर प्रोसेस हो रहा है, जितना आप कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म करनी है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर हम एक शेयर ले लें उसके दो तीन दिन के बाद अच्छा प्रॉफिट दे रहा हो तो क्या हमें उसको सेल कर देना चाहिए या वेट करना चाहिए सर? जी जी, ये पोजीशन, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये स्विंग ट्रेडिंग है। अगर आपको दो तीन दिन बाद वो 7% 10% आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो फिर आप उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है जब तक 50% 60% प्रॉफिट ना हो, मुझे तो चस ही नहीं आती, सही जो बात है पर्सनली, तो मैं तो कम अज कम आखिर टाइम तक उसका वेट करता हूँ कि जब तक वो बिल्कुल नीचे ना आ जाए तो बिल्कुल हमने इसको रिस्क लेना है। जब 40% 50% होता है तो कैपिटल को देख कर भी खुशी होती है, ये असल मजा है स्टॉक मार्केट का। तो बहरहाल मैं तो ये कहता हूँ कि वेट करें, अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है तो नीचे करके स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि जो है ना आपको रिस्क कम से कम होता जाए इसका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी, ये लिनोवो वाले भाई याद दिला रहे हैं बार बार, सर आप बोले जी, आपका नाम नहीं है तो इस वजह से साथ। आसान हूँ सर, मेरा नाम अयाज हुसैन है, मैं कराची में रहता हूँ लेकिन छुट्टियों पे आजकल गांव में आया हूँ तो लाइट का थोड़ा इशू है। तो सर सबसे पहले मैं लाइव फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे ग्रुप में ज्वाइन करने का, और बहुत फायदा हो रहा है, बहुत लर्निंग हो रही है। तो बस सर एक मेरा आपकी जो सजेस्ट की हुई लिस्ट पे हम काम कर रहे हैं और माशाल्लाह सही जा रहा है, बहुत बेहतरीन है, तो आगे भी इसी पे चलते रहेंगे। बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि जैसे मई से लेके फिर अगस्त यानी अप्रैल से लेके अगस्त सितंबर तक मार्केट थोड़ा वो कोई प्रॉफिटेबल नहीं होती, सर इसका काइंडली थोड़े से अल्फाज में अगर वजाहत कर दें कि ये क्या वजह होती है, और क्या हम उस दौरान डे ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं तो, ये मेरा सवाल है। थैंक यू। जी 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 जी, वो इस तरह ना बार बार बात कर चुके हैं कि ये स्टॉक मार्केट का हमारा एक्सपीरियंस भी है कि जनवरी से लेकर मई तक सही हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज हमारे पास मौजूद है। जैसे अभी भी स्टॉक्स नीचे हैं, आप उनको ले लें, 40% 60% 80% और इवन 100% भी आपके कैपिटल में इजाफा होगा, मई तक स्टॉक बहुत ऊपर जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो उनके जो रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं होते, दरमियान वाले मार्केट बिल्कुल डल सी हो जाती है, उसमें बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग वाली बात नहीं होती, तो उस टाइम हम अवॉइड ही करते हैं कि कोई भी बाइंग ना करें हम लोग, क्योंकि मार्केट की कुछ समझ नहीं आती और बिल्कुल मार्केट ना ऊपर तो ना नीचे वाली पोजिशन होती है, तो इसमें यानी कि कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उसमें फिर हम एक नई स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। बहरहाल कमाने वाला यही 5 महीने, अगर आपने ये 5 महीने ज़ाया किए तो फिर जो है पूरा साल कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। तो ये तजर्बा है, यानी कि 15 साल का तजर्बा है, उसकी बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि कमाने वाले 6 महीने और खाने वाले अगले 6 महीने, फिर कमाने वाले 6 महीने, रेस्ट करने वाले 6 महीने, ऐसा इसको जहन में रखेंगे। जी आखिरी 2-2.5 मिनट है हमारे पास, एक और आपको सवाल ले लेते हैं। जी ये अरशद साहब जी, सर किधर गए अरशद साहब, दोबारा मुझे ढूंढने दें यहाँ से, एकदम असल में वो साइड पर हो जाता है ना। जी अरशद साहब, सर म्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब और बाकी ग्रुप मेंबर्स। जी सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। बस मेरा तो आपसे आज मैसेज की दरमियान में हुई थी आपसे चैटिंग, आपने मेरा पोर्टफोलियो भी देख लिया था और जवाब भी दे दिया था उसका, बहुत शुक्रिया। और मैंने आज MLCF 2000 उठा लिया था आपकी रिकमेंडेड, मैं लेट देखा असल में, लेकिन बहरहाल वो 43 पे उठा लिया था, 43.10 पे। जी 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 जी, तो वो ठीक है बस। अब सिर्फ ये है कि ASTL और ASC मेरे पास है ना, ASTL मेरे पास थोड़ा सा है 4000, बस वो उसका देखना कि वो कब तक उसको रखी रखे हम। जी जी बिल्कुल, इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा वो भी, आप यानी उसकी टेंशन ना लें। अमरेली की, अमरेली मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, 45 के करीब करीब। अमरेली नहीं, ASL आयशा स्टील है। आयशा स्टील भी बहुत ही जबरदस्त है, ये 20 से थोड़ा नीचे था उस वक्त तो बाइंग में आता था, बहरहाल थोड़ा सा ऊपर निकल गया है, फिर भी इसकी टेंशन ना लें, इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है ये। तो बाकी आप जी, मैंने 20 पे लिया था। जी बाकी आपकी वो एक आवाज मेरे कान में गूंजती थी आज, मैं जब हमनल को देख रहा था ऊपर ऊपर तो आप कहते थे मैंने 30-35 हज़ार ले लिया है, तो उम्मीद है कि आपको फायदा हुआ होगा उससे काफी। जी जी बिल्कुल, वो मैंने 45,000 लिया था। चले देखे ना, आज आपको वो काफी अच्छा आपको नजर आ रहा होगा उसका प्रॉफिट, उसको अपने जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, मेरा पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग हो गया माशाल्लाह। जी बेचना नहीं है। जी जुबैर अली, लास्ट मिनट आप सर बोले, मैं इंशाल्लाह अगर वीडियो बंद होगी तो अगला जवाब आपको मिल जाएगा। जी जी बोले।
काई साहब, मैंने आपसे पोर्टफोलियो जो डिस्कस किया था आपसे, तो उसका जो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं मजीद किसी और कंपनी के शेयर लेने से अच्छा है इसी के अंदर अपनी क्वांटिटी को मैनेज करूँ और मजीद इसी क्वांटिटी को लूँ, ये कि मैं एक एक कंपनी को जाके फिर दूसरी कंपनी में घुसूँ। तो जब मैंने 5 शेयर ले लिए हैं 5 कंपनीज के, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी जी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वो जो ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, और खासतौर पर जो लास्ट क्वेश्चन था जुबैर भाई का कि आप मेरा मैं ये आपसे यानी कि सवाल से समझाऊँ कि आप कह रहे हैं कि जो मैंने मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज ली है वो कंपनीज को मैं कम कर दूँ यानी चंद कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँ, तो डेफिनेटली जो है आप कोशिश करें कि इतना ज़्यादा दुकान खोलने की जरूरत नहीं है कंपनीज की, आप कुछ मखसूस स्टॉक्स ले रहे हैं, थोड़े स्टॉक्स हों लेकिन अच्छे स्टॉक्स हों, उनके अंदर आप ज़्यादा कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपको जो है वो ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो यहाँ पर शिजाज साहब कराची से ये पूछ रहे हैं, टुडे आई एम बाइंग गंदारा इंडस्ट्री ऑन 308, आपने जो है 308 पर गंदारा असल में इसके अंदर अभी बियरिश ट्रेंड जो है वो मौजूद है गंदारा के अंदर, आप 3% डाउन पर कोशिश करें कि आपने स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाया हुआ तो उसको लाजमी लगाएं, जब 3% डाउन नीचे आ जाए तो आप इसको लाजमी सेल आउट करें, अगर ऊपर जाए तो 3% ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे आए तो लाजमी सेल आउट करें। फिलहाल इसके अंदर बियरिश ट्रेंड है, आपने क्या सोच कर लिया ये आप खुद ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये जी आप कह रहे हैं जी आई एम सेलिंग जनरेटर ऑन 80, आई परचेज ऑन 69, जी जी आपने 69 पर लिया हुआ है तो आप इसको बेशक इसके अंदर जो है वो क्योंकि गंदारा ये जनरेटर थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, जब थोड़ा और नीचे आएगा तो आप दोबारा इसके अंदर बाइंग कर लीजिएगा, लेकिन आप वो जो मेरा बुरिंजर बैंड वाली वीडियो है वो लाजमी देखें, तो देखें उसके अंदर जब बुलिश इसकी कैंडल्स बनना शुरू हो जाए आप दोबारा इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, अगर उसके अंदर बियरिश कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं तो फिर आप उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें लाजमी। जी आमिर साहब है लाहौर से, रूपाली पोलिस्टर कैसा स्टॉक है? आमिर भाई रूपाली इसको जो मैं स्टडी करके आपको बता सकता हूँ, अगर आपने लेना है तो आप बताएं तब मैं इसको जो स्टडी करूँ, वैसे तो आप स्टॉक का यानी कि क्यों पूछ रहे हैं, अगर आपने बाय किया हुआ है तो बताएं या आपने लिया हुआ है या सेलिंग करना चाहते हैं तो पूरा अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो मुझे समझ आएगी कि आप इसमें क्या पूछ रहे हैं। ये फैसल साहब है, कैन वी बाय गेटा मेडको फूड? फैसल भाई मैंने आपको एक लिस्ट शेयर की हुई है जो रिकमेंडेड स्टॉक्स है, उसमें गैटम की बाइंग जोन जो है अगर उस बाइंग जोन में आता है तो आप ले लें, अगर नहीं है तो फिलहाल छोड़ दें। आई थिंक मेडको फूड भी मैंने अपने उस लिस्ट में आपको दिया हुआ है, जो जो बाइंग जोन में या बाइंग जोन के करीब करीब है तो आप उनको ले सकते हैं बिल्कुल। जी मैडम है PRL, उन्होंने 23 नवंबर बाय किया हुआ है, इसको होल्ड करें या सेल करें? जी PRL को आपने होल्ड करना है, PRL का शॉर्ट टर्म टारगेट 2500 और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट जो है ऑलमोस्ट 40 रुपीज होगा, आप इसको जो है वो होल्ड करें, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। कोसम इन बल्क और व्हाट? कोसम जो है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस रेट पर आप इसको लें, उस अगर बाइंग जोन में मौजूद है तो बिल्कुल खामोशी से लेकर तिजोरी बंद करके इसको साइड पर कर दें, इंशाल्लाह जो है वो आपको फ़ायदा देगा, जो मैंने शॉर्ट टर्म टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट दिए हुए वो लाजमी इसको हिट करेगा, और ख़ासतौर पर जो इसका स्टॉप लॉस है वो अपने अपने जहन में रखना ही है। जी मुनीब साहब है, सर प्लीज़ गाइड अबाउट TRG। TRG फिलहाल बहुत ऊपर निकल गया है, मैं इसको बाय करने का मशवरा नहीं देता, जब ये 40-50 की रेंज में आएगा फिर मैं इसके बारे में कुछ कह सकूंगा। सलीम साहब है, सर FFL इज अ गुड ऑन करंट प्राइस? FFL को बार बार कह चुका हूँ, फिलहाल ये कंपनी लॉस में जा रही है, जब तक ये कंपनी प्रॉफिट शो नहीं करती आप इसके अंदर बिल्कुल भी बाइंग ना करें। जी आरिफ साहब है, कैन वी स्टिल बाय NML? सर आप NML फिलहाल ऊपर निकल गया, जिन्होंने जो मेरे बाइंग जोन में था जब ये तो जिन्होंने ले लिया आज वो बड़े खुश हैं, तो फिलहाल वेट करें, अगर दोबारा बाइंग जोन में आता है तो तब इसको लें, फिलहाल इसको ना लें। शिजाज साहब है कराची से, PPL और 100s व्हाट कैन आई डू? सेल और होल्ड? PPL अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो लाजमी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि PPL के बारे में काफ़ी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि हो सकता है ये दोबारा नीचे आ जाइए। मनसब साहब है, सर हमारे एरिया में कोई नेट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जूम मीटिंग में बात नहीं हो सकती, प्लीज़ टेल मी अबाउट JSCL 30 से नीचे की बाइंग है शॉर्ट टर्म टारगेट? JSCL जो है वो तकरीबन फिलहाल अपने 2-3 साल के ऑल टाइम हाई पर मौजूद है, तो आप कोशिश करें JSCL में अगर आपको मोर देन जहाँ पर भी 5% से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो आप उसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आज 30 रुपये 26 पर ये क्लोज हुआ, तो अगर आपने पहले लिया हुआ था तो लाजमी आपको जब ये 33 रुपये या 32 के ऊपर यानी 33 रुपये 49 पैसे तक पहुँचा था तो लाजमी आपने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी थी। बहरहाल अभी इसके अंदर जो है वो बियर स्टैंड है, नीचे का लॉक इसने जो है वो आज लगाया, तो कोशिश करें कि इससे निकल आए तो ज़्यादा बेहतर है। जी आरिफ साहब है, GGL अनाउंस 10% बोनस दिस मंथ और करंट रेट उसका $16.50 अकॉर्डिंग टू ब्रिंजर बैंड, रेड कैंडल इज कमिंग, तो रेड कैंडल आ रही है तो उसका मतलब है इसके अंदर सेलिंग आ रही है, तो आप इसके अंदर से निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है ये। जी एक मैडम है हमारे पास, ट्रीट का स्टॉप लॉस बता दें। जी ट्रीट जो है अगर आपने
ये नहीं लिखा हुआ कि आपने उसको किस रेट पर लिया हुआ है, तो फिर मैं ज्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकता था। बहरहाल ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है अभी तो वो 3234 पर जो है वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब भी वो अपनी क्लोजिंग दे तकरीबन 2800 से नीचे नीचे, जिस टाइम भी उसने 2800 से नीचे क्लोजिंग दी, तो आप इसको जो है वो सेल आउट करना है, ये इसका स्टॉप लॉस है ये। स्लिम साहब कह रहे हैं सर वीकली ट्रेडिंग का कोई लिस्ट बता दें। स्लिम साहब सर मेरा ये जो है ना मिजाज नहीं है कि मैं एक हफ्ते के लिए 3 दिन के लिए आपको स्टॉक बताऊँ, मैं बताता हूँ इन्वेस्टमेंट। आपने 3 महीने 6 महीने साल कम से कम स्टॉक को होल्ड करना है। अगर आपके पास टेम्परामेंट ये मौजूद है तो आप मुझे फॉलो करें, नहीं तो अस्क्री सिक्योरिटीज में मरवा साहब है, आप उनके पास अकाउंट ओपन करें मेरे रेफरेंस से, वो आपको एक एक हफ्ते वाले, 3 दिन वाले, 2 दिन वाले, 1 दिन वाले, रोज के रोज स्टॉक्स बताया करेंगे, वो आपको बहुत फायदा होगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है जी। तौसीफ भाई हमारे पास कह रहे हैं कि जी काजी भाई वीकली ट्रेडिंग के लिए आप ही वही सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने उसका जवाब दे दिया। आजम साहब है सर टुडे परचेज MLCF, आपने MLCF बाय किया हुआ है, आजम भाई आप इस तरह करें MLCF का जो मैंने टारगेट दिया हुआ है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो लाजमी इंशाल्लाह ये इसको हिट करेगा, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो अपने ज़हन में होना चाहिए आपके जो मैंने लिस्ट में आपको मेंशन किया हुआ है ये। जी जिशान भाई है सर वर्ल्ड कार टेलीकॉम के बारे में बताएं सर, बिल्कुल बेकार कंपनी है, इससे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है ये। जी वो कंपनी शेयर जिसमें वॉल्यूम स्पेस ज़्यादा हो टारगेट करना चाहिए सर सिर्फ डे ट्रेडिंग के लिए, लास्ट टाइम देखें आखिरी टाइम तक 3:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो बिल्कुल आखिरी टाइम होता है मार्केट का, उसमें अगर आपके स्टॉक जो है वॉल्यूम अच्छा हो और 3% से ऊपर ट्रेड कर रहा हो और इंडेक्स भी सपोर्ट कर रहा हो, तो आप उनके अंदर जो है एक दिन के लिए बाइंग कर सकते हैं, अगले दिन उसके अंदर आप लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। जी शिदा साहब है सर आई एफ जी एच एन आई गनी ऑटोमोबाइल, अच्छा उन्होंने रखा हुआ है, गनी आपने कितने अरसे से इसको रखा हुआ है, ये आपने इसको मेंशन ही किया हुआ, बहरहाल इसको मैं चेक कर लेता हूँ। आपकी बाइंग है जी 8 रुपए की, अभी वो ट्रेड करा है 5:40, तो जब ये 3% नीचे आया था तो आपने इसको क्यों नहीं बेचा उस टाइम, आप इसमें फंस के रह गए, तो फिलहाल आप इसको या तो बर्दाश्त करें या इसमें से लॉस बुक करें और जो मेरे रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं उनकी तरफ आ जाए तो आपका जो है वो लॉस काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा ये। जी अब अब्दुल वहीद साहब हैं हरिपुर से, सर यूनाइट, यूनाइट तो नहीं है सर यूनिटी होगा, यूनिटी आपने जो है वो बाय किया हुआ है जी 32.30 रुपए, यूनिटी जब 20-22 रुपए का था उस वक्त तो हम इसको रिकमेंड करते थे, लेकिन अभी ये काफ़ी हाई पर चला गया है, तो बहरहाल जो है अभी आप फिलहाल इसको थोड़ी देर आप इसको वेट कर लें, जो ये 26 रुपए से नीचे नीचे जब तक क्लोजिंग ना दे ये इसका स्टॉप लॉस है, अगर आप यहाँ तक इसका लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप जो है यहाँ तक वेट करें, अगर लॉस इसका बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप इसके अंदर फिर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये वैसे भी तकरीबन अपने 3 महीने के ऑल टाइम हाई पर मौजूद है, तो बहरहाल आगे आपकी मर्जी है इसको होल्ड रखें या इसको अगर ये नीचे आता है तो मजीद आप इसको फक्ती तौर पर बेच दें, जब मजीद नीचे आ जाए यानी कि जब ये 25-26 के करीब करीब पहुंच जाए तो आप दोबारा इसके अंदर जो है वो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा मुझसे लाजमी पूछें। जी डियर फ्रेंड ये थे हमारे आज के जितने भी सवाल थे, चाहे जूम सेशन से रिलेटेड थे और इसके अलावा जो आपने ग्रुप के अंदर किए, उम्मीद है कि आपके सारे मैसेजेस जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। आपने जो मुझे अपना पोर्टफोलियो सेंड किया था वीकेंड में, अगर उनमें से जिसका पोर्टफोलियो का जवाब मैंने नहीं दिया तो वो लाजमी मुझे दोबारा मैसेज करें, वो हो सकता है वो इग्नोर हो गया हो, आप मुझे दोबारा याद दहानी करवा दें कि आप मैंने पोर्टफोलियो भेजा लेकिन आपने उसको स्टडी नहीं किया, तो मैं उसको जो है वो लाजमी रिप्लाई करूंगा। मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट 100% जो है वो रिप्लाई कर दिया, लेकिन हो सकता है 1-2% कोई किसी का रह गया हो, तो बहरहाल आप अपना पोर्टफोलियो सेंड करेंगे, अगर आपके स्टॉक में किसी की कोई कमी बेशी है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और जो हमें नए सुनने वाले जो हमारे मेंबर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं, हमें देखने वाले व्यूअर्स, अगर वो हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर जो आपको शो हो रहा है इसमें आप मुझे अपना व्हाट्सएप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज नॉट फ्री, दैट इज दैट कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉमिनल फीस हमने उसको रखी हुई है। अगर आप फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है, लेकिन जो है ना वो फिर फ्री वाला ही होता है, जो थोड़ा फीस वाला है उसके अंदर सारी गाइडेंस भी होती है। बहरहाल मर्जी आपकी अपनी है, फ्री वाला ज्वाइन करें या ये वाला ज्वाइन करें, तो ये वाला ज्वाइन करेंगे पेड वाला तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मेकिंग योर पोर्टफोलियो बेटर, और ख़ास तौर पर आपके साथ हर किस्म की डिस्कशन भी होगी, ग्रुप के अंदर मैसेजेस भी होते हैं, मार्केट के स्टॉप लॉस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और बहुत सी चीज़ें जो है वो ग्रुप के मेंबर के साथ शेयर की जाती हैं। और इंशाल्लाह हर टाइम हमारी ये ख्वाहिश ही रहती है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारे मेंबर्स को आने वाले महीनों में ज़रूर फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, यहीं